मैं रहता हूँ वहाँ दोस्तों एक भी रोड ख़राब है नहीं, सारी रोडें बहुत अच्छी हैं दोस्तों। तो इसलिए मुझे अब टाउनशिप के बाहर जाना पड़ेगा ख़राब रोड पे वीडियो शूट करने के लिए। और ये पेट्रोल पंप है यहाँ का, तो ये दोस्तों बाहर जा रहा हूँ मैं। और इधर आगे सामने ही आने वाली है ख़राब रोड जिसमें मैं इसकी टेस्टिंग करूँगा। यहाँ से दोस्तों शुरू हो जाती है वो रोड ख़राब वाली, और ये देख सकते हैं अभी से कितनी ख़राब रोड है। और इस पे मैं इसकी टेस्टिंग कर रहा हूँ और बाइक भी काफ़ी स्पीड में है। और दोस्तों ये देख सकते हैं बिल्कुल नहीं हिल रहा है, ये कितना स्टेबल है ये। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय वीडियो, आई होप कि आप सब ठीक होंगे दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं आज लेके आया हूँ आपके सामने मोटो ब्लॉगिंग सेटअप, मोस्ट अफोर्डेबल मोटो ब्लॉगिंग सेटअप दोस्तों, जो ऑल इन वन है दोस्तों। ये देख सकते हैं एक्शन प्रो का ये है जो मैंने मंगा रखा है, अमेजोन से परचेज कर रखा है। और दोस्तों इसमें मुझे मिला है एक चिन माउंट दोस्तों, और एक मोबाइल होल्डर, और एक दोस्तों माउंट है, और एक स्क्रू जिसमें दोस्तों ये ऑल इन वन है दोस्तों। आप और भी वीडियो, आपने कई सारी वीडियोस देखी होंगी यूट्यूब पे दोस्तों, जिसमें आपको दिखाया गया हर चीज अलग अलग लोगों ने परचेज करके मंगाया है मोटो ब्लॉगिंग के लिए। बट दोस्तों ये ऑल इन वन है, इस सेटअप को आप मंगा लोगे, एक्शन प्रो है दोस्तों, इस सेटअप को आप मंगा लोगे तो इसमें ऑल इन वन है। इसमें दोस्तों आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, आपको अलग से कोई चीजें नहीं परचेज करनी पड़ेगी सिवाय दोस्तों हेडफोन के। और आपके पास माइक है तो और भी अच्छा है दोस्तों मोटो ब्लॉगिंग के लिए। और दोस्तों अच्छी बात तो ये है दोस्तों, ये एक्शन प्रो ब्रांड जो है दोस्तों, ये मेड इन इंडिया है दोस्तों, ये कोई बाहरी कंपनी नहीं है दोस्तों, ये मेड इन इंडिया है, इंडिया का प्रोडक्ट है। तो इंडिया के प्रोडक्ट को दोस्तों वैसे भी हमें सपोर्ट करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं मोटो ब्लॉगिंग के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है वो है दोस्तों एक हेलमेट। हेलमेट के बिना दोस्तों मोटो ब्लॉगिंग इम्पॉसिबल है। तो दोस्तों चलिए हम इसको सेट करते हैं। ये है दोस्तों चिन माउंट जो हमें मिला हुआ है, ये एक्शन प्रो का है दोस्तों, इस पे लिखा भी हुआ है, ये देख सकते हैं आप, ब्रांडिंग हो रखी है एक्शन प्रो की। तो चलिए दोस्तों इसको सेट करते हैं हेलमेट में और आपको बताते हैं आगे। तो दोस्तों मोस्टली लोग क्या करते हैं दोस्तों, जो ये हेलमेट का ये एरिया है यहाँ पे एमसील लगा के और एक होल्डर लगा के और दोस्तों फोन लगा के अपना मोटो ब्लॉगिंग सेटअप तैयार कर लेते हैं। बट दोस्तों वो सही नहीं है दोस्तों, इसमें आपके फोन भी टूट सकता है, कहीं गिर भी सकता है तो दोस्तों, और उसे निकालने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम भी होती है बाद में। तो दोस्तों अगर आप मोटो ब्लॉगिंग करना चाहते हैं तो थोड़ा सा खर्चा दोस्तों आपको करना पड़ेगा, आप ये सेटअप मंगा लीजिए, ज्यादा महंगा नहीं है दोस्तों, ये अफोर्डेबल है सबके लिए, एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए। तो चलिए दोस्तों इसको सेट करते हैं और दिखाते हैं आपको। तो सबसे पहले दोस्तों क्या करना है आपको, इसे ले लेना है और दोस्तों इसे जो इसका दोस्तों दो ऊपर वाला सिर है इसको ऊपर साइड में कर देना है, और जो ये है दोस्तों इसको नीचे साइड पे कर देना है, ऐसे कुछ ऐसे करके इसको दोस्तों सेट कर देना है। दोस्तों हमारा चिन माउंट सेट हो चुका है, अब दोस्तों हमें इस माउंट को इस पे सेट करना है। और दोस्तों देख सकते हैं इस पे भी एक्शन प्रो की ब्रांडिंग हो रखी है, तो दोस्तों इसे सेट करना बहुत ही आसान है। ये देखिए दोस्तों ये सेट हो गया, और दोस्तों उसके बाद हमें क्या करना है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा ये सेटअप तैयार हो चुका है, आप ये देख सकते हैं इसे कितना बेहतरीन लग रहा है ये दोस्तों। और दोस्तों दूसरी चीज सबसे ज्यादा जरूरी है, एक फोन दोस्तों वाइड एंगल लेंस वाला, जिसमें दोस्तों वाइड एंगल लेंस जरूर होना चाहिए मोटो ब्लॉगिंग के लिए दोस्तों, वाइड एंगल लेंस बेहतर होता है मोटो ब्लॉगिंग के लिए। तो चलिए दोस्तों अब हम इसको सेट करते हैं इस हेलमेट में।
तो दोस्तों देख सकते हैं ये मेरा पूरा सेट हो चुका है, इसे मैंने सेट कर दिया है। तो चलिए दोस्तों इसकी टेस्टिंग भी कर ली जाए। तो चलिए दोस्तों बाहर चलते हैं, इसकी टेस्टिंग करते हैं और आपको दिखाते हैं ये कितना स्टेबल है या नहीं है। दोस्तों वैसे आप देख सकते हैं ये कितना स्टेबल है, ये बिल्कुल हिल नहीं रहा है दोस्तों, बिकॉज यहाँ पे दोस्तों बेल टाइप का बना हुआ है, तो आप इसमें आसानी से इसको फंसा सकते हैं और कितना भी दोस्तों टाइट या ढीला आप कर सकते हैं इसे। तो चलिए दोस्तों नीचे चलते हैं, आप बाइक से इसकी टेस्टिंग करते हैं, आइए। और दोस्तों ये जो ये हेडफोन है दोस्तों, इसको मैं माइक के तौर पे यूज करूंगा, इसको मैं दोस्तों इसमें लगा दूंगा और साइड में दोस्तों अपने गले में ही दोस्तों इसे मैं हल्का सा ऐसे लपेट लूंगा। और ये दोस्तों ये जो ये है ये माइक दोस्तों, ये मेरे मुंह के पास तक रहेगा, जिससे आवाज भी साफ आएगी और दोस्तों रिकॉर्डिंग तो फोन से होनी ही है, आपको दोस्तों ये पता ही है। तो चलिए दोस्तों ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हैं नीचे, आपको दिखाते हैं इसका कैसा क्या सिस्टम है। को लगाया हूँ इस हेलमेट में और देख सकते हैं इसका वाइड एंगल लेंस काम कर रहा है, पूरी दोस्तों गोप्रो वाली फीलिंग आ रही है। और दोस्तों मैं पहले बता देता हूँ, ये मेरा मीटर ख़राब है, ये काम नहीं करता है। तो चलिए चलता हूँ मैं इसकी टेस्टिंग करने के लिए। और यहाँ दोस्तों देख सकते हैं कितना स्टेबिलिटी इसकी कितनी सटीक है, ये बिल्कुल नहीं हिल रहा है। और दोस्तों अभी देखते हैं, मैं ब्रेकर पे भी जाके आपको दिखाता हूँ ब्रेकर पे कैसा काम कर रहा है। और ये देख सकते हैं ब्रेकर पे आ गया हूँ मैं, और ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल नहीं हिल रहा है दोस्तों, ये एकदम स्टेबिलिटी इसकी इतनी अच्छी है। और दो दो ब्रेकर और करके मैं दोस्तों, ये फ़ोन किसी GoPro से कम नहीं है, तो लोग 30-40 हज़ार रुपये फंसाने के बजाय फ़ोन से ही फोटो ब्लॉगिंग कर सकते हैं। और चलिए अभी मैं थोड़ा एक थोड़ी जहाँ थोड़ी ख़राब रोड हो उधर चलता हूँ, मैं दिखाता हूँ वहाँ पे इसकी स्टेबिलिटी कैसी है। और यहाँ दोस्तों टाउनशिप में वैसे ख़राब रोड तो मिलना मुश्किल है, बट एक जगह है जहाँ मुझे थोड़ी ख़राब रोड मिल जाएगी। और ये दोस्तों देख सकते हैं ये ख़राब बता चुका हूँ, और बाइक मैं ये दोस्तों ये है थोड़ी ख़राब रोड जो यहाँ की है, चलिए इस पे चला के दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों स्टेबिलिटी इसकी इतनी सही है दोस्तों, पूरी GoPro वाली फीलिंग आ रही है। और देख सकते हैं दोस्तों ये ज़रा भी नहीं हिल रहा है। तो अब हम यहाँ से टर्न हो जाते हैं, ये देख सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको परचेज करना होगा तो आप परचेज कर लीजिएगा। बाकी मैं तो कर चुका हूँ, मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा है, मैं एकदम सेटिस्फाइड हूँ इस प्रोडक्ट से। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ दोस्तों इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। और ये ब्लॉग मैं दोस्तों यहीं पे एंड करता हूँ, मिलते हैं दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में। ओके गुड बाय। चमगादड़ उधर बैठा हुआ है।